व्हाट्स अप गाइस, बॉट अनबॉक्स की एक फ्रेश न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा मेरे पास और एक पैकेज अनबॉक्स करने के लिए। और क्या है इस पैकेज में, मैं पहले आप ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा वो प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया था। और वैसे ऐसे देख के समझ में नहीं आएगा कि क्या प्रोडक्ट है ये, क्योंकि अभी अभी असेंबल किया नहीं है, मैंने खुद को असेंबल करना पड़ेगा। और वीडियो के एंड पार्ट में आपको मैं असेंबल करके पूरा दिखा दूंगा। और ये एक किचन ऑर्गेनाइजिंग एक्सेसरी है, या कह लो इसे किचन यूटेंसिल ऑर्गेनाइजिंग शेल्फ है ये, जो कि आता है विंस्टर ब्रांड की तरफ से। सो ऑनलाइन अगर अब जब पूरा सेट करने का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, वैसे प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन कम प्राइस के और थोड़े कॉस्टली ऐसे सेम बहुत मिलेंगे, पर इसी ब्रांड का मैंने इसलिए लिया क्योंकि अब नॉर्मली इसका रिव्यूज़ काफ़ी लोग ने परचेज़ भी किया था और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे इसके, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाला परचेज़ करके एक बार चेक कर लिया जाए। और सो ये रहा प्रोडक्ट जैसे देख सकते हैं। और साथ में पैकेज के अंदर आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल आ जाएगा, ये तो ज़रूरी है क्योंकि आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपको ये नहीं करोगे। और यहाँ पे थोड़े स्क्रूज़ हैं जिसे आपको पूरा सेटअप करना पड़ेगा। वेल आपको इसमें स्क्रू ड्राइवर नहीं मिलता, उसके लिए स्क्रू ड्राइवर आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा उसके लिए। बाकी अगर इसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स आए वो बात करूँ तो दो लेग्स आएंगे, तीन फ्लैट शेल्फ्स आएंगे, एक प्लेट ऑर्गेनाइजर आएगा, और एक जो ये मेटल पार्ट दिख रहा है ये स्पून ऑर्गेनाइजर और कप हैंगर जो है उसमें लगा हुआ है, सोल्डर्ड है वो आएगा। सो इसको सेटअप करना है। सो अब मैं सेटअप करके दिखाता हूँ आपको। सो गाइज़, ये रहा फाइनली मैंने किचन ऑर्गेनाइज़र शेल्फ ये वाला असेंबल कर लिया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको खुद से असेंबल करना पड़ेगा और आपको एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, और ये पैकेज के साथ स्क्रू ड्राइवर नहीं मिलता। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पूरा ऑर्गेनाइज कर लिया है। अगर अभी मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो जैसे कि यहाँ नीचे की तरफ देख सकते हैं आप, तीन शेल्फ, तीन फ्लैट शेल्फ मिलते हैं जहाँ पे आप अपने बड़े या छोटे यूटेंसिल्स रख सकते हैं। उसके ऊपर यहाँ पे प्लेट ऑर्गेनाइज़र है, नॉर्मली आप यहाँ पे आराम से 10 प्लेट्स रख सकते हैं एट ए टाइम। और साइड में आपको ये चार डॉट्स, ऑरेंज कलर के डॉट दिख रहे होंगे, वो वहाँ पे आप कोई भी कप या बड़े बड़े स्पून्स लटका सकते हैं। और इनफैक्ट उसी के साइड में 6 कटआउट्स मिले हैं जिसमें आप स्पून डाल सकते हैं। अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूँ तो ये 18x24 इंचेस का डायमेंशन है इसकी। और सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि इनकी क्वालिटी, क्योंकि ये पूरा स्टेनलेस स्टील से बना है और फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया, मतलब प्रीमियम फिनिशिंग है। और नीचे की तरफ आप जैसा कि यहाँ चार दिख रहे हैं, चारों साइड्स, चारों लेग्स में ये प्लास्टिक का नॉब दिया गया है, जिससे क्या है आपका कहीं भी कोई भी सरफेस पे रखते हैं तो वो स्क्रैच ना हो। और वहाँ पे भी जो चार डॉट्स दिख रहे हैं ना, उधर पे भी थोड़ा शार्प है, तो ये देने की वजह से क्या है वो शार्पनेस चले जाता है और इंजोर भी नहीं होगी। और इनफैक्ट अगर आपको सरफेस पर नहीं रखना या वॉल पर ऑर्गेनाइज़ कराना है, तो इसमें दोनों जो साइड्स हैं, ये जो कर्व जो दिख रहा है, वो दोनों में से एक एक साइड पे दो होल्स मिल जाएंगे। जैसे इस पे इधर दो हैं, उसमें भी इधर दो हैं। सो आप चार चार स्क्रू लगा के दीवार पे लगा सकते हैं। का बाकी क्वालिटी वाइज मेरे को बहुत अच्छा लगा। और प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो प्राइसिंग इसका अभी नॉर्मली 1149 में मिल गया, पर ऑफर चल रहा है तो कम में भी मिल सकता है। सो ओवरऑल 1149 में मेरे को कहते हैं वर्थ लगा, क्योंकि आप बाहर भी जाओगे तो ऑलमोस्ट स्टील का आपको इतना ही प्राइस पड़ेगा। सो क्योंकि इसका रिव्यूज़ थोड़े अच्छे थे तो मैंने ये डिसाइड करके मंगाया। सो ये था मेरा अनबॉक्सिंग किचन यूटेंसिल ऑर्गेनाइजर शेल्फ का। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताना, और आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।